सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सोच ऐसी रखिए जो लोग सपने में भी न सोच सके, और मेहनत ऐसी कीजिए कि कोई मेहनत करके भी आपके करीब ना पहुंच सके। अच्छे के साथ अच्छा बने, बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा तो जा सकता है पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकती। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आज का पंचांग 4 अप्रैल 2021 दिन रविवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि, रात्रि 2:59 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र रात्रि 2:06 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:07 से 6:39 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। कर्क राशि 4 अप्रैल 2021 दिन रविवार, आपने किसी परियोजना में अपना काफी समय और प्रयास लगाए हैं और आपको इसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। दूरदृष्टि के साथ साथ आपके दृढ़ संकल्प और प्रयास भी रंग लाए हैं। आप कुछ नए बदलाव करना चाह रहे हैं लेकिन वित्तीय बाधाएं हैं। आज आप सीमित साधनों से ही इन कामों को पूरा करने में सृजनात्मक तरीके खोज लेंगे। आज आप अपनी कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे। संतान के करियर संबंधित कोई समस्या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की सलाह से सुलझाने में सफलता मिलेगी। धर्म कर्म से जुड़े मामलों में भी आपका योगदान रहेगा। एक नए उत्साह और निश्चय के साथ आप दिन की शुरुआत करेंगे। अपनी बनाई हुई योजना पर टिके रहने की कोशिश आपके द्वारा पूरी तरह से की जाएगी। कुछ बातों में कम आत्मविश्वास नजर आएगा जिसके कारण सही कदम उठाना आपके लिए कठिन लग सकता है, फिर भी आप अपना प्रयास जारी रखेंगे। काम से संबंधित बातों में आ रही जागरूकता आपको नए अवसर प्रदान कराएगी। योग्य व्यक्ति के परिचय में आने के कारण प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक परिवर्तन नजर आएगा। सेहत को ठीक करने के लिए आपके द्वारा कदम योग्य दिशा में उठाया जाएगा। सावधानियां, इस समय किसी पारिवारिक मुद्दे पर वाद विवाद होने की आशंका है, धैर्य व संयम बनाकर रखना जरूरी है। किसी भी प्रकार की यात्रा संबंधित प्रोग्राम को स्थगित रखें तथा धन संबंधित लेन देन भी ना ही करें तो उचित है। बात करते हैं लव लाइफ की, घर के माहौल में डिसिप्लिन बनाकर रखना जरूरी है। विवाहित संबंधों की वजह से पारिवारिक जीवन में हलचल हो सकती है। आपके अपने प्रिय के साथ आज घूमने का प्लान चौपट हो सकता है। इस प्लान को रद्द करने के पीछे का कारण जानने के लिए अपने पार्टनर को बहुत अधिक परेशान ना करें। आराम से घर पर बैठकर अपना मनपसंद टीवी शो देखने से या कोई अच्छी सी किताब पढ़ने से भी आपका दिन उतने ही मजे में कट सकता है। बात करते हैं करियर की, आप अपने करियर की शुरुआत में हैं, इसलिए आपको सीढ़ी पर अगला कदम रखने और पीछे चले गए पद को देखने की जरूरत है। निज स्थानों में की गई कोई गलती का भुगतान आपको बाद में करना पड़ सकता है। खुद के लिए कुछ प्रस्ताव बनाने के लिए समय निकालें। आपको विरासत में मिला धन का कुछ हिस्सा या पैसा प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र में अपने बाहरी तथा पब्लिक रिलेशन को और अधिक मजबूत बनाएं तथा काम की क्वालिटी को बेहतर बनाने में ध्यान दें। इस समय की गई मेहनत के निकट भविष्य में उचित परिणाम हासिल होंगे।
नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए उत्तम परिस्थितियां बन रही है। बात करते हैं सेहत की। आप आज अपचय से जुड़ी समस्याओं से परेशान हो सकते हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि वास्तविक समस्या आपके पाचन तंत्र की नहीं बल्कि उस तनाव तथा चिंता के कारण है जिसे आप जूझ रहे हैं। उसी से ये स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। इसलिए अपने भोजन को बदलने की जगह कुछ मानसिक शांति देने वाले व्यायाम आपके लिए लाभकारी होंगे। सांस वाले व्यायाम विशेष लाभ देंगे। आज का उपाय, आज अब गरीबों को कपड़ों का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।